नमस्कार, मैं साहुल पांडे। और बता दें कि अभी की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो बिहार एनडीए से जुड़ी हुई है। जी हाँ, पहले से ही ये बात कंफर्म थी कि आज बिहार एनडीए की तरफ से सीटों के बंटवारे को लेकर के ऐलान कर दिया जाएगा और औपचारिक तौर पे आज जो है एक संयुक्त प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया और इसमें जो है एनडीए की तरफ से सीटों के बंटवारे को लेकर के जानकारी दे दी गई है। आपको बता दें कि बिहार एनडीए में जो सीटों का बंटवारा हुआ है वो वही फॉर्मूला है जिस फॉर्मूले को हमने आपको सुबह में बताया था, यानी ये फॉर्मूला है 121-122 का फॉर्मूला, यानी टोटल 243। हमने आपको पहले ही बताया था कि बीजेपी जो है 121 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और जदयू 122 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और इसके अलावा हमने आपको ये भी बताया था कि हम यानी कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को जो है जदयू अपने कोटे से जो है उन्हें जो है 7 सीटें देगी। जिन 7 सीटों का उन्होंने ऐलान किया है, अपने उम्मीदवार उतारे हैं, वो 7 सीटें जो है जदयू यानी नीतीश कुमार की पार्टी के तरफ से उन्हें उनके कोटे से जो है 7 सीटें मिलेंगी। वहीं बात अगर बीजेपी की करें तो बीजेपी भी कुल 121 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेगी, उनके कोटे में 121 सीटें आई हैं। दरअसल जानकारी ये आई है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कि वीआईपी यानी विकासशील इंसान पार्टी यानी कि मुकेश सहनी जो कि हाल ही में जो है महागठबंधन में थे और जिस तरीके की घटना हुई महागठबंधन के सीट बंटवारे के दिन जब प्रेस वार्ता में वो खड़े होकर के वहाँ से विद्रोह करके निकल गए थे, उसके बाद से ये साफ कयासें लग रही थी कि वो जो है एनडीए में शामिल हो सकते हैं। ऐसे में अब ये लगभग कंफर्म लग रहा है कि मुकेश सहनी की जो है वापसी हो सकती है एनडीए में और एनडीए में वापसी के साथ ही जो है इस चुनाव में उन्हें सीटें भी जो है अब बीजेपी देगी। अब कितनी सीटें देगी इसको लेकर के अभी कोई जानकारी पुख्ता तौर पे नहीं है, लेकिन बीजेपी अपने कोटे से यानी 121 सीटों का जो उसका कोटा है उसमें से विकासशील इंसान पार्टी को वो सीट देगी। आपको बता दें कि बहुत दिनों से जो है एनडीए में सीटों का पेच फंसा हुआ था, खास तौर पे इसलिए क्योंकि लोजपा यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी के मुखिया चिराग पासवान जो है सीटों के बंटवारे को लेकर के अड़े हुए थे। वो उसी आधार पर सीटों का बंटवारा चाहते थे जो कभी तय हुआ था 2015 में बीजेपी और लोजपा के बीच, लेकिन वो कॉम्प्रोमाइज़ करने की स्थिति में नहीं थे और आखिरकार कल जो है उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो बिहार एनडीए से बाहर हो रहे हैं। याद रखिएगा, बिहार एनडीए से बाहर हुए हैं, केंद्रीय एनडीए से बाहर नहीं हुए, यानी बिहार में अलग से चुनाव लड़ेंगे ऐसा उन्होंने कहा है। और उन्होंने खास तौर पे एक लेटर जारी करते हुए नीतीश कुमार के खिलाफ जो है बगावती तेवर भी दिखाए, यानी नीतीश कुमार के ऊपर जम के हमला भी बोला है। वहीं आज जो है इससे पहले इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले जो है बीजेपी की तरफ से यानी बीजेपी बिहार प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल की तरफ से एक बयान आता है जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो भी बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व को स्वीकार नहीं करेगा वो बिहार एनडीए में नहीं बना रह सकता। उनका ये बयान माना जा रहा है कि चिराग पासवान के ऊपर ही था, लेकिन चिराग पासवान दूसरी तरफ दावा भी कर रहे हैं कि वो बीजेपी के साथ ही रह करके चुनाव लड़ेंगे। हालांकि इन सभी कयासों को इन सभी बातों को अगर दूर हटा दें तो अभी की जो बड़ी खबर है उसके अनुसार बिहार एनडीए में सीटों का बंटवारा तय हो गया है। बीजेपी 121 सीट, जदयू 122 सीट, हम पार्टी की 7 सीटें जदयू के कोटे से निकल कर जाएंगी, यानी कि जदयू 115 सीटों पर इस बार इस विधानसभा चुनाव में उतरेगी। 115 सीटों पर उसके उम्मीदवार होंगे और 7 सीटों पर हम पार्टी के उम्मीदवार होंगे। वहीं जैसे ही अगर विकासशील पार्टी जो है वो एनडीए में शामिल होती है तो बीजेपी भी उसे अपने हिसाब से नेगोशिएट करके सीटें देंगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, इस बड़ी खबर पे हमारी नज़र बनी हुई है और भी कोई जानकारी आएगी तो हम आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें हमें। धन्यवाद।